साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। ब्लेसिंग समय से आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपको शनि, राहु और वीनस यानी कि शुक्र, इन तीनों को एक साथ आपको बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा आपको रेमेडी दे रहा हूं। शनि जो होते हैं, कर्ज की समस्या है, अगर आर्थिक संकट ज्यादा है, संघर्ष बहुत ज्यादा है, तो ये पीड़ा आपकी दूर हो जाएगी, शनि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरा, अचानक से यदि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड घर से पैसा जा रहा है या फिर पैसा आ नहीं रहा है, और सबसे बड़ी चीज कि आप अपना दिमाग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, कोई भी कार्य कर रहे हैं अचानक से उसमें रुकावट आ रही है, तो यहां आपके राहु बैलेंस हो जाएंगे। और तीसरा यानी कि जो लग्जरीज लाते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं, वो है आपके वीनस यानी कि शुक्र। इन तीनों को एक साथ बैलेंस करने के लिए बहुत ही खास रेमेडी आपको दे रहा हूं। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, मैं पूरी जानकारी आपको देता हूं। कोई खर्चा नहीं लगना है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा प्रयोग आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, ना वो धन को लेकर के, ना जॉब को, या फिर आपका व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, मतलब कि आर्थिक संकट तो आपके दूर होंगे, लेकिन जो भी रुके हुए काम है आपके, वो भी आपके बनना शुरू हो जाएंगे। जिंदगी में आपको एक परिवर्तन नजर आने लगेगा अगर इस प्रयोग को आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं। देखिए कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो लाइफ बैलेंस हो जाती है ना। तो इसमें जरूरत पड़ेगी आपको 3 चुटकी काला नमक, 8 आपको लेनी है काली मिर्च, और साथ में लेना है आपको एक पीपल का पत्ता, और शनिवार के दिन में प्रयोग करना है आपको सिर्फ 8 मिनट। दोस्तों देखिए, प्रयोग अगर प्लैनेट जो होते हैं, प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो सात्विक तरीके से किए जाते हैं, तो जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे तो आप नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। नॉनवेज आपको नहीं लेना है, कोई भी पत्थर आपने ना पहना हो, ठीक है, तभी इस प्रयोग को आपको करना है। महिलाएं, वृद्ध पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, और हाँ, महिलाएं सिद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, शनिवार के दिन में सुबह में कर लें, ज्यादा बेस्ट है 12 बजे से पहले पीपल वृक्ष के पास में जाएं, थोड़ा सा जल अर्पित करें, चावल अर्पित करें, 8 प्रदक्षिणा करें, और उसके बाद में प्रणाम करके डंडी सहित एक स्वच्छ एकदम फ्रेश पत्ता वहां से तोड़ करके ले आए। पहले आज्ञा जरूर लें, ठीक है, क्योंकि पीपल वृक्ष में हमेशा अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियां वास करती हैं। तो जब भी आप पीपल के पास में जाएंगे तो पीपल वृक्ष को प्रणाम करेंगे, और आपको ये बोलना है कि इस वृक्ष में इस समय जो भी दिव्य शक्तियां विद्यमान है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, आप मुझे एक पत्ता प्रदान कर दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, ठीक है। ऐसे प्रार्थना करके एक पत्ता आपको तोड़ लेना है, उसको घर ले आए, गौमूत्र से या गंगा जल से या कच्चे दूध से इसको साफ कर लें, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा, आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और यदि किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट अपना चेक कराना चाहते हैं, यदि काफी उपाय कर रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करा लें, क्योंकि बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट होता है अनबैलेंस होता है, जब तक उसके अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे तो आपकी समस्याओं का कोई भी समाधान आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एक पत्ता आप ले आएंगे, सुबह में इस प्रयोग को आपको करना है 12 बजे से पहले,
उसमें आपको गिन करके 8 आपको ले लेनी है काली मिर्च, और 3 चुटकी आपको रिंग फिंगर और अंगूठे से 3 चुटकी उठा करके नमक उसमें आपको पीपल के पत्ते में, जो काली मिर्च होंगी 8 काली मिर्च रख देंगे पीपल के पत्ते में, अपने घर की पश्चिम दिशा में खड़े होकर के प्रयोग करेंगे, अगर खुले आसमान में कर लें तो और भी बेस्ट है। 8 आपने डाल दी काली मिर्च, 3 चुटकी आपने उसमें डाल दिया नमक, ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, ठीक है। अब उल्टे हाथ में, ठीक है, उल्टे हाथ में रखना है, ये चीज ध्यान देना है, उल्टे हाथ में उस पत्ते को रखेंगे, चाहे तो अलार्म लगा लें, इस तरीके से उसको देखते रहेंगे, मोबाइल वगैरह में अलार्म लगा लें 8 मिनट का, इस तरीके से देखते हुए और मन ही मन आपको जाप करना है। 2 मंत्र दे रहा हूं आपको, एक है वैदिक मंत्र और एक है तांत्रिक मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः। 8 मिनट तक इस मंत्र का आपको कंटिन्यूअसली आपको जाप करना है, चाहे तो मोबाइल में अलार्म लगा लें, जैसे आपके 8 मिनट कंप्लीट होते हैं, इसको आपको क्या करना है, कोई काला कपड़ा है या काला कागज है और कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल कागज में इसको लपेट करके, परमानेंट नहीं, मतलब कि सुबह से शाम तक में इसको इतने जेब में रख लीजिए। देखिए कोई भी प्रयोग करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग ये काम करता है, तो आपके वो थॉट्स होने चाहिए कि आप किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं, आप किसी भी परेशानी से मुक्ति के लिए, शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए, आर्थिक संकट से दूर करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो चीजें मन में रखते हुए इस प्रयोग को करेंगे। पीपल के पत्ते को फोल्ड कर देंगे, अगर ब्लैक कपड़ा है तो उसमें लपेट के अपने जेब में डाल लीजिए, या ब्लैक कागज है उसमें लपेट करके जेब में डाल लीजिए, ठीक है। दिन भर अपने साथ में इसको रखेंगे, संध्या होती है, सूरज ढल जाता है, बाहर निकलिए, घर की पश्चिम दिशा तरफ निकल जाइए, वहां पर जो भी आपको वृक्ष मिल जाए, छायादार वृक्ष, उसके नीचे इसको रख करके, या फिर थोड़ा सा जमीन में थोड़ा सा खड्डा खोद के दबा करके और बिना पीछे पलटे घर आ जाइए। ये छोटा सा प्रयोग है, कम से कम आपको 8 शनिवार ये प्रयोग करना पड़ेगा। एक शनिवार से दूसरे शनिवार में आपको 50% तक रिजल्ट समझ में आने लगेगा, परिवर्तन नजर आने लगेगा, और कंटिन्यूअसली इसको आपने यदि 8 शनिवार कर लिया तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो भी समस्या है आपकी वो आपकी दूर हो जाएगी, और आप 8 शनिवार के बाद में दूसरी किसी मनोकामना के लिए, दूसरे किसी अपनी परेशानी से मुक्ति के लिए करना चाहते हैं तो 8 शनिवार के बाद में 1 शनिवार रोक करके आगे से अपने फिर 8 शनिवार कर लेना है। मतलब जो भी आपकी तकलीफें लाइफ में चल रही हैं, इस प्रयोग को यदि आप करते रहते हैं तो आपको दिव्य लाइफ की गारंटी है कि आपको बहुत ही अच्छे इसमें रिजल्ट मिलेगा। आपके वीनस, आपके राहु, आपके शनि, ये तीनों एक साथ बैलेंस होकर के और आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं सारी की सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। क्योंकि देखिए शनि जो होते हैं न्याय के देवता हैं, लेकिन उपाय जब करते हैं ना दोस्तों, तो मन में एक चीज हमेशा याद रखें कि देखिए शनि जो होते हैं न्याय के देवता हैं, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं। तो आपको ये इंटेंशन अपने रखने चाहिए दिमाग में कि मैंने जो भी बुरे कर्मास किए हैं उनके प्रायश्चित के लिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं, कि भूल से जाने में अनजाने में इस जन्म में पूर्व जन्म में जो भी मैंने बुरे कर्मास किए हैं सभी का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं कि दोबारा मैं ऐसे कर्म ना करूं, और मेरे से जो भी बुरे कर्मास हुए हैं उसके प्रायश्चित के लिए ये प्रयोग कर रहा हूं, तो मेरे सारे बुरे कर्मों की क्षमा प्रार्थी दे, क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना के साथ में प्रयोग को करिए। कोई भी रेमेडी, सिर्फ ये रेमेडी नहीं, रेमेडी यही होती है कि हम अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो मन में हमेशा ये विचार रखें कि मैंने जो बुरे कर्मास किए हैं जिसके कारण मुझे ये सब मतलब कि फल मिल रहा है, तो इन सभी की शांति के लिए प्रयोग कर रहा हूं। ऐसे विचार करके जब प्रयोग करते हैं 100% उसका रिजल्ट आता है, एकदम पॉजिटिव होकर के, ठीक है, इस प्रयोग को करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है। वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं दोस्तों कि देखिए शास्त्रों से उठा करके जानकारी मैं आप लोगों तक लाता हूं, ठीक है। अब मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं जब वो जानकारी को लाइक करते हैं, ठीक है, तो ऐसे यूट्यूब क्या करता है कि ऐसी जानकारी आप लोगों तक रिकमेंड करता है कि आप लोगों को इस जानकारी की नीड है। आपका 1 सेकंड का काम सिर्फ एक छोटा सा लाइक आप करेंगे तो ये यूट्यूब और लोगों को इस जानकारी को रिकमेंड कर देगा, तो आपका एक छोटा सा लाइक और लोगों को इस जानकारी का बेनिफिट देगा, है ना। तो लाइक जरूर क्या करें और शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, कोई खर्चा नहीं लगना है आपका। जितने लोगों को जानकारी शेयर करेंगे, जितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। और एक विशेष बात तो दोस्तों कि हमारे द्वारा राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 18 दिन की एक विशेष पूजा की जाती है। शाबर मंत्रों के द्वारा बर्थ चार्ट में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है,
राहु का बैलेंस होना, अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा सफलता सब कुछ आने लगती है। तो ये पूजा 18 दिन की श्रावण मंत्रों के द्वारा होती है। माता पिता का नाम, दादाजी का नाम, फोटो संकल्प के द्वारा आपके बर्थ चार्ट में 18 दिन में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है। ये विशेष पूजा यदि बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। 18 दिन में आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।